24x7 और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, साहस है सच दिखाने की। अब हम बात करेंगे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की, कि तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों बिहार में बड़ी बड़ी यात्राओं में लगे हैं। लगातार उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे और गरीब जो आम लोग हैं उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार हर मंच से कभी नरेंद्र मोदी पर कभी नीतीश कुमार पर निशाना तो साध ही रहे हैं और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बदलनी ज़रूरी है। मीडिया में भी तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव छाए हुए हैं, अखबारों में कहें टेलीविजन में कहें, लेकिन सोशल साइट पर तेजस्वी प्रसाद यादव कितने एक्टिव हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये उनका पेज है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, और आप देखिए किस तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये जहाँ भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में उनकी भीड़ जुट रही है, और ये देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिखा है, युवाओं की बेरोजगारी पर जवाब दे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार यह वादा करते हुए सत्ता में आई थी कि हर वर्ष युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरी, 5 वर्षों में 10 करोड़ नौकरियां प्रदान करेगी, लेकिन यह आज तक नहीं हुआ। साफ है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की विफलता के चलते युवाओं में भारी गुस्सा आक्रोश है। ये लिखा बहुत सारे सेंटेंसेस है, ये बिल्कुल अंदाज देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव का, और काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सोशल साइट पर भी, फेसबुक पर भी, और आप देख सकते हैं ये लगातार अखबार की कटिंग वो शेयर करते हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में भीड़, अंदाजा लगाइए, हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद ब खुद देखिए। तेजस्वी यादव ने लिखा है, भागलपुर में बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जनता केंद्र और राज्य के जुमलेबाज और अवसरवादी सरकारों को सबक सिखाने का प्रण संकल्प ले चुकी है। तो देख सकते हैं कि कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं ये, और ये उन्होंने ये भी लिखा है 2019 का चुनाव संविधान संवैधानिक संस्थाओं, सामाजिक न्याय, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। यह चुनाव किसानों, नौजवानों और गरीबों के लिए अस्तित्व का चुनाव है। ये साफ है कि तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव भी काफ़ी एक्टिव हैं, इन्हें भी युवा बड़ी संख्या में फॉलो कर रहे हैं, खासतौर पे देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और भी आपको दिखाएंगे, देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव का अंदाज, और ये हर चीज़ देखे अगर तो एक्टिव। यहाँ देखिए युवाओं के जोश और भारी बारिश के बीच सुपौल में बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, उस वक्त की तस्वीर इन्होंने डाला। ये देखिए तस्वीरों में साफ है कि लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बारिश से, लेकिन प्रोग्राम छोड़कर नहीं जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को सुनने के लिए। ये देखिए छत पर इतने हाथ उठ रहे हैं, ये लोकप्रियता लगातार इनकी भी बढ़ती जा रही है, इनके बड़े भाई की तरह, तेज प्रताप यादव की तरह। को मैंने भी हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये जनता को नमन कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अपनी माता राबड़ी देवी जो कि बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह, ये भी ये देखिए मुकुट में नजर आ रहे हैं, ये चांदी का मुकुट पहने हैं, जनता ने इन्हें मतलब ये सौगात के रूप में इन्हें दिया, अभिनंदन किया इनका। तो ये साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी बोले जनादेश की डकैती करते समय ही सीएम नीतीश ने छोड़ दी थी। ये सब चीज साफ करती है कि जिस तरह से बाकी पार्टियां एक्टिव हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी जिस तरीके से लगातार लोकप्रिय, और आप अगर कहें तो बहुत कम वक्त में ये एक्टिव हुए, लोकप्रिय हुए, और बड़ी संख्या में जहां भी जा रहे हैं जो जनता है इन्हें स्वागत भी कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद भी दे रही है। बिल्कुल अगर देखें तो दोनों भाई लालू प्रसाद यादव के अंदाज में अपने पिता जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी यात्रा में है इन दिनों, और सोशल साइट पर भी किस तरीके से एक्टिव हैं हमने खास तौर पे आपको दिखाया। और जो युवा हैं देश हो विदेश हो, इनके फ्लावर हैं, इनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे पार्टी को भी मजबूती मिल रही है, और पार्टी के नेता भी सारे इन्हें मजबूत करने में लगे हैं। और जनता ये साफ मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साफ जनता भीड़ दिखाई दे रही है कि जिस तेजस्वी यादव को किस तरह से लोग चाह रही है, जनता चाह रही है, सभी लोग चाह रहे हैं, यानी साफ है कि जिस तरीके से इनका क्रेज बढ़ा है, ये आने वाले वक्त में जो विरोधी हैं उनकी परेशानी ज़रूर बढ़ने लगी होगी और बढ़ती भी जा रही है। कैमरा पर्सन रवि रंजन के साथ
आफ्ताब आलम एल आर न्यूज 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। कुछ और खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।